हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स एंड रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन डिफरेंट टाइप के फेस स्क्रब्स, जो कि बिल्कुल नेचुरल होने वाले हैं और बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स में मिलेंगे। तो तीन डिफरेंट टाइप की स्किन के लिए मैं यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप के फेस स्क्रब लेके आई हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए आज का ये DIY फेस स्क्रब का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट स्क्रब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लेमन शुगर स्क्रब, जो कि बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को क्लेंस करेगा और अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम भी होती है तो उसे भी ये दूर करेगा। और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपकी स्किन भी ऑयली है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो चलिए ये DIY बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लेमन स्लाइस लिया है। हमें बहुत ज्यादा लेमन की जरूरत नहीं है, बस इतना सा लिया हुआ है मैंने। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से स्किन लाइटनिंग में भी हेल्प करता है और साथ ही आपकी स्किन पर जितना भी ऑयल होता है उसे भी रिमूव करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को ऑयली से ड्राई बनाने में हेल्प करता है। सेकेंड मैंने यहाँ पर लिया है शुगर और मैंने इसे अच्छे से क्रश किया है। बहुत ज्यादा क्रश भी नहीं करना है हमें, बस हल्का सा दानेदार रहना चाहिए। बट जो इसके बड़े बड़े शार्प पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अच्छे से हमें क्रश करना है, वरना वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, जिससे आपकी डेड स्किन की लेयर निकल जाती है। थर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है हनी। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके इसे ड्राई नहीं होने देता है और ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है, तो ये आपके पिंपल्स को भी होने से बचाता है। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हनी में ये आधा चम्मच शुगर ऐड की हुई है और अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। जो हमने एक स्लाइस लिया हुआ था उसी को डालना है बस, और हम इस स्लाइस को फेंकने वाले नहीं है, हम इसी से अप्लाई कर सकते हैं फेस पर। तो बस यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हनी और ये सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इसे इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये सारी चीजें मिक्स हो जाएं और उसके बाद हम जो लेमन का छिलका था उसी से इसे अप्लाई करने वाले हैं। तो बस इसे इसके अंदर अच्छे से डिप करना है और अच्छे से अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। बस इस तरह से आपको अपने हाथ पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको हाथ पर करके ही दिखा रही हूँ। तो बस इसे आप अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी होने वाला है, क्योंकि ये आपकी स्किन से ऑयल को बिल्कुल रिमूव कर देगा और साथ ही आपके डार्क स्पॉट्स को भी कम करेगा और स्किन लाइटनिंग में भी हेल्प कर। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये स्क्रब कैसा लगा। जो मैं सेकंड स्क्रब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कॉफी और शुगर का स्क्रब, जो कि बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट बनाएगा और आपकी स्किन को ये डीटैन भी करता है। तो ये स्क्रब जो है वो सभी टाइप की स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा। तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये DIY। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्रश शुगर ली है, जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया था। आप चाहे तो यहाँ पर पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसे बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है, बस हल्का सा इसे कूटा है। तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देगा, जो डेड स्किन के लेयर है उसे रिमूव करेगा। सेकंड मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉफी, जो कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये नेस्कैफे लिया हुआ है, आपको जो भी कॉफी मिल जाए वो इजिली आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट बनाता है और साथ ही आपके डार्क स्पॉट्स को भी कम करने में हेल्प करता है। तो अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें एक चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक चम्मच कॉफी पाउडर ऐड कर दूंगी। तो बस इसे मिक्स करके आप इस तरह से घर में रख सकते हैं, आपको जब भी यूज करना है इस तरह से आप इसे लीजिए और इजीली इसे इंस्टेंटली अप्लाई कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से इसे पाउडर फॉर्म में रखती हूँ और जब भी मन करता है इसे यूज कर लेती हूँ। तो बस इसे लेकर आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करना है। ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देगा
और आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट बनाएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। ये मेरा पर्सनली फेवरेट स्क्रब है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले इससे, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सेकेंड स्क्रब कैसा लगा। अब जो थर्ड स्क्रब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ड्राई स्किन के लिए होने वाला है और ये बहुत ही अच्छे से आपकी फाइन लाइंस पे भी वर्क करता है, तो आप इसे फाइन लाइंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बादाम में विटामिन ई होता है जो कि फाइन लाइंस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बादाम लिए हैं, आप अगर अपने लिए बना रहे हैं तो आपके लिए 2 बादाम काफी है। मैं यहाँ पर 2 जनों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने 4 बादाम लिए हैं और इन्हें मैं अच्छे से क्रश कर लूंगी। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है, बस इस तरह से मैंने इसे क्रश किया हुआ है। इसी तरह से हमें चाहिए क्योंकि स्क्रब अगर आप बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे क्रश किया है। अब सेकंड मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल, तो यहाँ पर मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट ये काफी अच्छा है इसलिए मैं यहाँ पर इसे यूज कर रही हूँ। आप भी चाहे तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ये ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले बाउल लिया है और इसमें मैं यहाँ पर जो पाउडर हमारा आलमंड है वो डाल दूंगी। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है और इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दूंगी। तो बस यहाँ पर एलोवेरा जेल डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड किया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर आपको ये ज्यादा ड्राई लग रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए थोड़ा सा थिक है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड करूंगी। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लूंगी और बस ये हमारा स्क्रब बनकर तैयार है। इस तरह से आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये अभी भी थोड़ा थिक लगता है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल और ऐड कर सकते हैं और बस इसे अपने फेस पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रब। आई होप कि आज के ये 3 डिफरेंट टाइप के स्क्रब्स आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।